यह सुगंधा ये वो नहीं है, ये वाला मुझे। अरे ये जो जड़ दिखाई पड़ रही ना, वही तो है असुगंधा देसी है। एदंड परिजात जखमे हयात मधुयष्टि और बाला चित्रकूट
और अध्यक्षता मानिकपुर विधानसभा के माननीय विधायक श्री आनंद शुक्ला जी करेंगे। मैं सभी साथियों से दो चार मिनट की कुछ बातें करना चाहूंगा और मैं चाहता हूं कि जितने हमारे साथी या जितने व्यवहार हैं, मैं उन सबसे अनुरोध करूंगा कि उनके साथ अगर कोई आए हो उनके गार्जियन तो कृपा करके उनसे खुद अनुरोध कर लें तो बाहर चले जाएं, ये व्यवस्था बनाए रखिए। और अगर किसी को ये लगता है कि नहीं ये नियुक्ति पत्र तो सबका एक ही है और वो आप बाद में ही ले सकते हैं, पहले तो बेसिक शिक्षा परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं अपना परिचय दे दूं, मैं डॉक्टर सी एम चौरसिया और डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन यहाँ पे डायरेक्टर प्राचार्य हूँ और मंडली से सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक चित्रपुर धाम मंडल का कार्य देख रहा हूँ। अभी आप लोग जब यहाँ पे आए हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक उद्घोषण आपने सुना होगा, हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अभी आप लोगों ने कुछ हमारे साथी हैं जिन्होंने नई शिक्षा नीति का अध्ययन किया और उस नई शिक्षा नीति में ये प्रोविजन किया गया है कि 2030 का ये लक्ष्य रखा गया है कि 100% 100% बच्चों को हम स्कूल ले आएंगे और इसके लिए जो 2 करोड़ ऐसे बच्चे हैं उनका हम दाखिला कराएंगे। उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार दोनों के संयुक्त सहयोग से हमारे यहाँ शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन के लिए तमाम नव प्रयोग किए जा रहे हैं और उन नव प्रयोगों से आपको अवगत कराया जाएगा। अभी जब आप विद्यालयों में जाएंगे उसके बाद आपका अभिमुखीकरण का फाउंडेशन कोर्स भी 1-2 दिन का कराया जाएगा तो उसमें आपको बहुत सी सारी बातें बताई जाएगी। आपको बेसिक शिक्षा विभाग में क्या योजना परमेश्वरी भगवती मूर्ति प्रदान शारदा।
स्वागत के इस कार्यक्रम में बच्चों के छोटे हाथों के बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, चार किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। उन बच्चों के भविष्य निर्माताओं के लिए आज का ये जो कार्यक्रम है, नवनीत शिक्षकों के लिए, मैं पुनः उन सभी शिक्षकों का देसी शिक्षा परिवार में स्वागत करता हूं। माननीय सांसद जी के ऊपर इस जनपद के साथ साथ बांदा जनपद की भी जिम्मेदारी है, लेकिन उसके पूर्व जो हमारी भारतीय संस्कृति